हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? हमारे बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे आप पोर्टफोलियो पेज बना सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा जो है वर्डप्रेस या ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है, जहाँ पे मैंने यहाँ पे इमेज लगाया होगा। सो अगर आप ई कॉमर्स पे क्लिक करते हैं तो आपको ई कॉमर्स के यहाँ पे पोर्टफोलियो इमेज दिखेगी। अगर वर्डप्रेस पे क्लिक करते हैं तो वर्डप्रेस का पोर्टफोलियो, और क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पॉपअप दिखेगा हमें। सो इसे हम लोग क्लोज करते हैं, और यहाँ पर ऑल टैब क्लिक करके अगर हम लोग किसी इमेज पर क्लिक करते हैं तो हमें पॉपअप दिखता है। सो ये सारे सेटिंग्स, ये डिजाइंस, ब्यूटीफुल डिजाइंस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो अभी हम लोग अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में हैं, और अभी हमें आना है प्लगइन्स में, और प्लगइन में आकर हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है विजुअल पोर्टफोलियो। तो ऐड न्यू पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर सर्च कीजिए विजुअल पोर्टफोलियो। सर, ये वन ऑफ द बेस्ट पोर्टफोलियो प्लगइन है फॉर द पर्टिकुलर पोर्टफोलियो क्रिएशन। आप देख सकते हैं इसका जो एक्टिव इंस्टॉलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और इसके रेटिंग भी बहुत अच्छे हैं। सो इसे आप, मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है, तो आपको यहाँ पर इंस्टॉल नाउ का बटन आएगा, तो आपको इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देना है। मैं अभी एक्टिव करती हूँ। जब आप इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर लेंगे तो आपको एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा और आपका प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा। सो हमारी प्लगइन भी एक्टिवेट हो चुकी है। अभी हम लोग आते हैं पोर्टफोलियो आइटम्स। तो अभी हम लोग पोर्टफोलियो आइटम्स में हैं, तो यहाँ मेरा डिफॉल्ट 3 पोर्टफोलियो आइटम्स क्रिएट हुए हैं। आपको एंड पर क्लिक करना है टू क्रिएट पोर्टफोलियो आइटम्स, एक नया पोर्टफोलियो आइटम्स क्रिएट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करती हूँ लैंडिंग पेज। मैंने यहाँ पे लैंडिंग पेज के डिजाइन दिखाने, तो मैंने यहाँ पे लैंडिंग पेज लिख दिया, और यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी, और यहाँ पर मैं प्लस आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर टाइल सर्च करूंगी। सो टाइल सर्च मैंने कर दिया। यहाँ पर इमेज मैं लूंगी, इमेज मैं यहाँ पर अपलोड फाइल्स में आती हूँ, और मेरे पास लैंडिंग पेज के डिजाइन है, तो मैं वो लैंडिंग पेज के डिजाइन से यहाँ लेती हूँ। दो तो इमेज ले लिया, और आपको यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक कर देना, बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है, देन कंटिन्यू। पेजिनेशन और फिल्टर को एक्टिवेट कर दीजिए, देन कंटिन्यू। सो अब आपका जो लैंडिंग पेज के पोर्टफोलियो आइटम्स है वो क्रिएट हो चुके हैं इस तरह से। तो इसकी आप सेटिंग्स भी बहुत अच्छे डिजाइन भी कर सकते हैं। कैसे, आप स्क्रॉल कीजिए नीचे की ओर, लेआउट्स में आइए, यहाँ पे आपको फिल्टर के ऑप्शन मिल जाते हैं। फिल्टर में क्या क्लासिक लगाना चाहते हैं, ठीक है, ड्रॉप डाउन, बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। लेआउट्स का ऑप्शन है, यहाँ पे टाइल्स का है, मंच मेजनरी करेंगे तो आपको इस तरह से डिज़ाइन दिखेगी, बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं। सो ये सब दिखेंगे, तो मैं इसको मेजनरी कर देती हूँ। आइटम्स स्टार पे क्लिक करेंगे तो ये फैड हो रहा है, देख सकते हैं, है ना। तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको हम लोग लाइट कर देते हैं। ओवरले बैकग्राउंड कलर पे आएंगे और यहाँ से इसको लाइट करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ा डार्क करते हैं, ओके। और भी आपको यहाँ ऑप्शन है आइटम्स क्लिक ऑन, तो जब किसी आइटम पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, पॉपअप होगा या यूआरएल दिखा सकते हैं, तो हम पॉपअप करना चाहते हैं, पब्लिश कर दीजिए। तो इस तरह से आप पोर्टफोलियो आइटम्स बना सकते हैं जिसमें आप इमेज ऐड कर सकते हैं। देन आपको ऑटोमेटिक जो विजुअल पोर्टफोलियो है, आपको पोर्टफोलियो का पेज ऑटोमेटिक क्रिएट कर देता है, मीन्स रेडीमेड आपके पास पोर्टफोलियो पेज बना हुआ आता है, विजुअल पोर्टफोलियो आपको ये देता है। तो आपको यहाँ पर व्यू पर क्लिक करना है, और अभी आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर लैंडिंग पेज, ये सारे यहाँ पे आइटम्स हैं। सो ये क्यों यहाँ पर इमेज दिख रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर फीचर्ड इमेज नहीं लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर
वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर क्लिक करती हूँ और मैं यहाँ पर विजुअल पोर्टफोलियो पर क्लिक करूँगी और एडिट करूँगी और मैं यहाँ पर फीचर इमेज लूँगी। सो पोर्टफोलियो आइटम पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको फीचर इमेज का ऑप्शन आएगा, ये सेट फीचर इमेज। यहाँ से आप एक इमेज ले लीजिए और सेट फीचर इमेज पर क्लिक कर दीजिए तो आप वो इमेज को देख सकते हैं। फिर यहाँ पर दिस इज अ टैग कैटेगरी, तो हम यहाँ पर कैटेगरी ऐड करते हैं लैंडिंग पेज, ठीक है, और अपडेट कर देते हैं। ओके, इस तरह से आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, 1 मिनट, आप अपने पेज में जाइए और पोर्टफोलियो पेज को वहां से व्यू कीजिए। तो राइट क्लिक करेंगे व्यू पर और ऐड ओपन न्यू टैब, तो हमारा जो पोर्टफोलियो पेज है ये रहे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मीडिया एंड सो ऑन यहाँ पे आपको दिख रहा है। ई कॉमर्स क्लिक करेंगे तो ई कॉमर्स आ जाएगा यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पे और भी है, शॉप है, मीडिया है, ई कॉमर्स, इसका भी हमें कैटेगरी बनाना पड़ेगा। कैटेगरी नहीं बनी हुई है इसलिए यहाँ पे नहीं यहाँ पे आप शो कर रहे हैं। तो इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हो। चलिए इसका कैटेगरी भी बना लेते हैं। विजुअल पोर्टफोलियो पे आते हैं और कैटेगरी पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी नहीं बनी हुई है, हम कैटेगरी क्रिएट कर देते हैं। लैंडिंग पेज, ऐड न्यू कैटेगरी, उसके बाद यहाँ पे देते हैं मीडिया, ऐड न्यू कैटेगरी, ये दे सकते हैं। देन पोर्टफोलियो आइटम्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्विक एडिट करेंगे लैंडिंग पेज को। यहाँ से लैंडिंग पेज देंगे अपडेट और मीडिया को क्विक एडिट करेंगे। यहाँ से हम लोग मीडिया सेलेक्ट करके अपडेट कर देंगे, पोर्टफोलियो कैटेगरीज को सेलेक्ट कर लेंगे। शॉप में हम लोग ई कॉमर्स दे देते हैं। एडिट अब क्विक एडिट भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर एडिट कर दिया तो हम मेन पेज में आ गया। यहाँ से भी कैटेगरी आप ले सकते हैं ई कॉमर्स और अपडेट कर दीजिए। आकर यहाँ पर रिफ्रेश कीजिए, सो आपको यहाँ पर 3 कैटेगरी दिखे, देख सकते हैं। जब हम लैंडिंग पेज पे क्लिक करेंगे तो लैंडिंग पेज के हमारे पास इमेज आ जाएगी। ई कॉमर्स पे क्लिक करेंगे तो ई कॉमर्स की कैटेगरीज के जो इमेज है वो आ जाएगी। अगर ऑल पे क्लिक करेंगे तो ऑल आ जाएगी और क्लिक करेंगे इस पे तो हमारे पास जो है रिडायरेक्ट हो जाएगा दूसरे पेज जहाँ पे इमेजेस होंगे। तो इसको आप अगर पॉपअप करना चाहते हैं, जैसे कि पोर्टफोलियो पेज में जो इमेजेस वो पॉपअप करना चाहते हैं तो इसको एडिट करना पड़ेगा। सब क्लिक करें तो पॉपअप हो जाए, तो एडिट पेज पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक कीजिए, ये जो है ब्लॉग, स्क्रॉल कीजिए और आइटम क्लिक एक्शन पे आइए और यहाँ पे पॉपअप पर सेलेक्ट कर दीजिए, अपडेट कीजिए। अब आपकी जो भी इमेजेस हैं वो अब पॉपअप होंगी। सो इसको हम लोग करते हैं व्यू पेज, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं व्यू पेज पे और अब आप क्लिक कीजिए इमेज पर तो आप इमेज को देख सकते हैं। सो इस तरह से आप बहुत इजीली पोर्टफोलियो पेज बना सकते हैं यूजिंग विजुअल पोर्टफोलियो। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तब क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस लाती रहती हूँ जो बहुत ही अपडेट होते हैं, एलिमेंटर्स, वर्डप्रेस और वेबसाइट से रिलेटेड होते हैं। ओके, अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर कोई क्वेश्चंस है, अब कुछ किसी चीज़ की हेल्प चाहिए आप ज़रूर कमेंट में लिखिए, मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगी।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में. टिल देन बी कंसिस्टेंट एंड बी